बस वो टीचर्स और पेरेंट्स थे कहीं जिन्होंने सही रास्ता दिखाया कि ये आपका रास्ता है आपको इस पर चलना है तो ऐसा भी कुछ नहीं है यानी एन की बात करी जाए तो बस आपको जी तोड़ मेहनत करनी और कहा जाता है ना कि फौजी आई विल ट्राई नहीं बोलता कभी भी मुझे करना है तो मुझे करना है अब उसमें बस ये नहीं सोचना होता हमें कि कैसे होगा ये बहुत ज़्यादा है बस अगर आपको जिम्मेदारियां अपने कंधों पे रखनी है तो एक्सक्यूजेज ढूंढने की जरूरत नहीं है बस फिर जम के लग जाओ बिल्कुल तो पानी बना के बस अपने रिसोर्सेज कम रखो और वही कहा जाए जिसे ब्रूसली कहता है ना कि यानी एक पचास दाव जानने से अच्छा एक दाव को पचास पचास मतलब कहना नहीं चाहिए पर इस टाइम का ये सब बहुत चलता है तो तुमको ऑफर नहीं आया सर मैं यही बोलूंगा कि अगर बाबू पैसा ले जाओ सर अगर आप यानी सही में अपने मन से डेडिकेटेड हूँ ना आपकी कमिटमेंट है किसी को तो आप कभी भी पैसे और ये तो बहुत छोटी चीज़ है यानी मुझे कि यानी आईआईटी बॉम्बे है आईआईटी दिल्ली है या आपको सर एक जॉब तो दे देंगे पर आर्मी आपको एक पूरी रियल लाइफ देता है मोबाइल फ़ोन गर्लफ्रेंड ये सारी कहानियों से कैसे दूर रहे ऐसी कोई चीज़ें है जो आपको अपने माँ बाप से छुपानी पड़ रही है आपको शर्मिंदगी हो रही है तो समझ लो कहीं हेलो बच्चों क्या हालचाल बढ़िया एकदम तो भाई आज हमारे साथ अनुराग आया हुआ है और अनुराग ने ऑल इंडिया रैंक वन लाया है एन एग्ज़ाम के अंदर इस साल और हम लोग को बहुत प्राउड है अनुराग पे और अनुराग से आज सुबह ही मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई उसके बाद आज शाम में रात के नौ बज रहे हैं बल्कि और अनुराग मेरे सामने बैठे हैं और पूरी तरह से ऑफिसर की तरह तैयार होकर बैठा है एकदम ये और बड़ा स्मार्ट लग रहा है भाई अगर एकदम प्रॉपर फॉर्मल शू फॉर्मल पैंट टाई वाई लगा के तो अनुराग से कुछ बातचीत करते हैं हम लोग सो so, अनुराग भाई सबसे पहले बहुत 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 बधाई हो बेटा थैंक यू सो मच सर ए आई आर वन मतलब हमेशा ड्रीम होता है किसी का भी कि और इंडिया रैंक वन आए और एन जैसे सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम में सबसे प्राउड एग्जाम में रैंक वन लाए अपनी जर्नी बताओ और कब डिसाइड किया कि आर्म फोर्सेस जा रहे पहले तो ये बताओ कि कब पता चला आई आई आर वन आई कैसे पता चला सबसे पहले तो ये बताओ ए आई आर वन

बस एक सेकंड थोड़ी से सेकंड के लिए तो बिल्कुल पैरों के नीचे से ज़मीन हट सी गई थी कि भाई

वो भी, यार आ भी गयी है आ गई नहीं है। कुछ टाइम के लिए तो पता ही नहीं रहता ना कि गई हाँ, इतना बड़ा सपना जब पूरा होता है ना तो एक पल के लिए भरोसा नहीं होता दुनिया के ऊपर हाँ सर ये हो ये। गया बिल्कुल सर सर फिर उसके बाद सिर्... फिर पूरी जर्नी की बात करूँ मैं यानी मैंने कैसे स्टार्टिंग करी तो सर कहीं ना कहीं सर चाइल्डहुड से ही था मेरे दिमाग में कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है बट हाँ तब इतनी इंक्लाइनेशन नहीं थी कि एन चैनल के थ्रू जाना है या फिर सी चैनल के थ्रू जाना है बस तब ये था जैसे बच्चों को हो जाता है ना कि हाँ फौज में जाना है मुझे तो बस वही चीज़ें थी फिर सर धीरे धीरे जैसे सिक्स सेवन्थ एट था ही, तब थोड़ा सा पता लगने लगा चीज़ों का कि हाँ पी एम स्ट्रीम लेनी पड़ती है एन के लिए और कुछ ऐसे ऐसे पेपर होते हैं यूपीएससी रिटर्न कंडक्ट करवाता है फिर भी सर यानी जो असली एक्सपोजर था वो इलेवेंथ ट्वेल्थ में कहीं आया जब यानी डिफेंस वाला ने भी स्टार्ट करा था तब शौर्य 1.0 हुआ था तब पहले स्टार्ट तब थोड़ा एक्सपोजर मिला कि हाँ कुछ ऐसे होती हैं चीज़ें कुछ अपने सीनियर से भी मैंने बात करी यानी दो कजन से मेरे वो अभी इन डी ए से पास आउट हैं वन ऑफ देम इज़ फ्राम इंडिया एंड अदर इज़ फ्रॉम ओ टी एट सेल्फ तो सर वहाँ से कुछ इंस्परेशन मिली थी उस टाइम कि हाँ अगर मेरी फैमिली में भी अगर कोई ऐसा है अगर मेरा कज़न जो उस चीज़ को पा पाया है तो मैं भी क्यों ना कोई, कोई कोशिश करता हूँ यानी अभी हम लोग ने एक शॉट डाला था तो वहाँ यूट्यूब पर जो हम लोग का सुबह इंटरव्यू हुआ था उसमें से वीडियो में से तो उसमें एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा अटैम पे कौन सा अटैम पे तो ये कौन सा अटैम्प है भाई सर मेरा फर्स्ट ही है अटैम्प्टर मैं, मैंने ट्वेल्थ के पेपर अभी दिए हैं मार्च में तो मेरे मार्च में पेपर चल रहे थे और उससे पहले जनवरी में मैंने एस दिया था तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और सर वही था कि वो सारे रास्ते सही दिखते गए और लोगों का साथ था और गुरु का भी बहुत अच्छा साथ था जो फर्स्ट अटैम्प्ट में सर हो गया सर भगवान इतना तैयारी के बाद ये तो शेयर हो गया सिलेक्शन तो होगा नहीं? नहीं सर यानी हमेशा आप श्योर नहीं हो सकते बस कुछ बस कुछ चीजें ये होता है कि हम अपनी ओर से कर्म कर सकते हैं फल तो ऊपर वाला ही देगा यानी वो तो अब जो भी मिलेगा उसे हंसते हंसते स्वीकार करके आगे चलते चले सर वही होता है यानी एक्सेप्टेंस ही होती है यानी जो भी मिलता चले उसे लेते चलो बस अपना दी बेच देना है अगर आपको अपने आप से सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मैंने अपना दी बेच दिया है तो बस फिर उसके बाद सिलेक्शन और बाकी चीजें तो एक साइड वाइज ही हो जाती है आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा हो जाता है कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दे बोला था गांव में यहाँ काफी लोग सर, में जाते हैं। मेरे कजन है बट वो मेरी मैटरनल साइड के नॉट पैटर्नल हाँ. तो मेरे गांव के मेरे परिवार की बात करी जाए तो वो मेरे लिए मैं पहला हूँ

तो सर जब वहाँ मैं जाता हूँ गाँव में और उनका स्टैचू देखने को मिलता है तब लगता है कि हाँ दिस ये कुछ ऐसी चीज़ है कि हाँ यानी अगर कोई इतना अपने जिंदगी में सेक्रीफाइस कर सकता है तो उस लेवल की उस फीलिंग को तो एक बार कम से कम एक्सपीरियंस करा दे कि वो क्या होता है सर तब बिल्कुल एक डिसाइड हो गया था कि हाँ जाना है तो एनडीए ही जाना है और कहीं नहीं जाना है फिर सर मैं प्रॉपर प्रिपरेशन पे लग गया था और फिर टाइम टू टाइम अपने जैसे सर शौर्य के थ्रू काफ़ी गाइडेंस मिल गई थी उस टाइम कि कैसे रिटर्न करना है और सर फिर यानी जर्नी स्टार्ट होने के बाद एक बार किक स्टार्ट होने के बाद फिर कभी पीछे नहीं देखा कि पीछे क्या है क्या नहीं है बस फिर यही था कि एन डी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करना है सर नहीं नहीं शौर्य और तो ठीक है देखो शौर्य हजारों बच्चे ज्वाइन करते हैं ए आई आर वन भारत में एक ही आता है <laughs> तो इसके पीछे इसमें शौर्य बैच का कॉन्ट्रीब्यूशन मैं कहूँगा ऑनेस्टली कहूँगा बहुत कम होता है बीस से तीस परसेंट होता है टीचर का किसी भी बैच का किसी भी कोर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन बच्चे की रैंक आने में रिजल्ट आने में बीस से तीस परसेंट ज़्यादा आता नहीं है तुम बताओ तुम्हारी तैयारी में क्या था भाई सत्तर परसेंट क्योंकि तुम्हारी कहानी है सर एक्चुअली क्या होता है कि हमें एज अ पेपर यानी अगर एन डी ए रिटर्न की बात करी जाए तो वो यू पी एस सी कंडक्ट करवा रहा है तो अब सीधी सी बात है कि उसका सिलेबस वास्ट होगा इट इज़ नॉट लाइक जेई जहाँ आपके पास चीज़ें बहुत कंस्ट्रेंड होती हैं कि ठीक है बस यही चैप्टर है अब उसमें एनडीए के रिटर्न में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो यानी जी ए टी का पोर्शन तो कहीं से भी आ सकता है yes. तो उस टाइम होता है कि आपको राइट गाइडेंस कैसे मिल जाए अगर वो राइट right गाइडेंस वाले देने वाले आपके टीचर्स आपके पास हैं तो आप टारगेटेड प्रिपरेशन कर पाते हो और वो टारगेटेड प्रिपरेशन ही स्कोर बनाता है फिर क्योंकि असली स्कोर वही बन पाता है कि कौन कितना पढ़ रहा है और कितना टू द पॉइंट पढ़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वास्ट है जी तो हद से ज़्यादा वास्ट है तो आप चाह के भी पूरा नहीं कवर कर सकते पर अगर उतना कवर कर लो जितना चाहिए पेपर के लिए तो फिर स्कोर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है फिर सर उसके बाद यही होता है कि आपकी डेडिकेशन कितना पढो तुम्हें कैसे समझ में आता जो टीचर सही से गाइड कर पाता है जिन्हें एक्सपीरियंस होता कितना है इतना पढ़ना है बता दो हाँ, बिल्कुल कि इतना ही पढ़ना है इससे आगे नहीं है नहीं अभी जरूरत नहीं है एटलीस्ट एनडी रिटर्न के लिए तुम सारे सब्जेक्ट के लिए नहीं है नहीं सर क्या होता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब हम पीछे के यानी टीचर्स जो होते हैं अच्छे टीचर्स वो एनालाइज कर लेते हैं कि कितना कौन से एरिया से कितना आ रहा है तो उस हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं कि यूपीएससी कहाँ तक अपनी पहुंच रखेगा तो अगर आपको वो पता लग जाता है कि हाँ इससे आगे यूपीएससी नहीं पूछ रहा है तो बस इससे पीछे वाले पॉइंट तक सब कुछ कवर कर दो जितना आप कर सकते हो फिर उसमें अब आपकी डेडिकेशन मायने रखती है कि आप लगातार करते रहो जैसे सर करंट अफेयर्स थे करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होता है यानी उसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सवाल लग जाएंगे पर आसिम सर के सर दस में से आठ सवाल लग गए थे तो यानी तब लगा था कि भाई अब इससे ज्यादा क्या ही होगा यानी करंट अफेयर्स में से दस में से आठ सवाल लग गए बिल्कुल सेट बैठ के जो हमने पढ़ा था करंट अफेयर्स हाँ सर बिल्कुल तो सर उससे आगे तो क्या ही होगा यानी इससे ज्यादा सही गाइडेंस वो तो हजारों बच्चा रिवाइज करके गया होगा कर तो तुम्हें सही पाए ना <laughs> सिर्फ वो सिर्फ वो बस यही है कि एट द एंड ऑफ द डे आप बस इतने मेच्योर होने चाहिए कि आप सोच सको कि हाँ मैं अपने बाकी लिए... दो कर पाए कि नहीं ये सिर्फ दस में से आठ सही लग बाकी दो कर सिर्फ पाए? दो वो नहीं हो पाए। <laughs> <यही है। laughs> सिर्फ आ, वो यानी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थे बिल्कुल और वो यूपीएससी का होता ही है यानी यूपीएससी का ऐसा पेपर नहीं होता ना जहां आप नाइन हंड्रेड में से नाइन हंड्रेड दो कर लेते रैंक थोड़ी अच्छी आ जाती है सिर्फ <laughs> कैसा लगता है तो देख के <laughs> सिर्फ लगता है सर प्राउड फीलिंग तो आती है कि हाँ मेरे टीचर्स का मेरे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा यानी कहीं ना कहीं हार्ड वर्क है मैं तो उसका कुछ छोटा सा पार्ट ही हूँ मैं तो बस एक कहा जा सकता है कि जिस साइड मुझे बोला गया मैं उस साइड चलने को रेडी हो गया था बस वो टीचर्स और पेरेंट्स थे कहीं जिन्होंने सही रास्ता दिखाया कि ये आपका रास्ता है आपको इस पे चलना है Hmm. बस मैं तो एक दौड़ने वाला था मुझे मोटिवेट करने वाले तो मेरे टीचर्स ही थे सर जिन्होंने सही दिशा दिखाई कि आप इस दिशा में चलोगे तो मंजिल जरूर हासिल होगी और सर गुरु के साथ जो सफर होता है उससे सुहाना कोई सफर ही नहीं होता है क्योंकि जब आपको पता होता है कि आपकी केयर करने वाला या आपके लिए इतना जो कोई बैठा हुआ है जो आपके लिए रात के दो दो बजे तक वीडियो बनाता है तो सर फिर लगता है कि कोई इतना तक कौन पढ़ा रहा था यूट्यूब सर, सर, बिल्कुल था। सर जब हमारा रिविजन टाइम चल रहा था शक्ति का लास्ट में तो सर शक्ति तो भी बढ़ती तो शक्ति बिल्कुल हाँ सर वो रिविजन के लिए क्योंकि एट द द एंड ऑफ डे आप यूपीएससी जैसे पेपर के लिए रिवाइज नहीं करोगे तो आप नहीं सक्सेस पा पाओ क्योंकि बहुत वास्ट चीजें हैं और अगर आपकी मेमोरी में वो चीज़ें रिटेन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है तो अपने नोट से रिवाइज नहीं करते थे फिर से लेक्चर देखते थे शक्ति के सर उसका ये था कि वहाँ भी आपके पास बहुत कंसाइज चीजें होती थी तो क्या होता था अपने जो प्रीवियस नोट्स जो शौर्य के बनाए थे उन्हें भी साथ लेके बैठ जाओ और शक्ति में जो होता चल रहा है उससे रिवाइज करते चलो तो उसका बहुत ज्यादा यानी एडवांटेज होती है ना ही आपको लिखने में टाइम वेस्ट होगा और आप यानी अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप टू की स्पीड पे जल्दी जल्दी चीजें कवर करते चलो तो उससे रिविजन एक अच्छा हो जाता है और वही है कि जब एक गुरु साथ में बैठ के पढ़ाता है तो वो एक अलग ही लर्निंग एक्सपीरियंस होता है सर हाँ मतलब दो बजे तक कोई पढ़ा रहा है तो अंदर से भी आता है यार सर की बिल्कुल यानी कोई इतना कर रहा है तो हम क्यों ना एक कदम और भी आगे चल के उनके लिए कुछ करके देखाए सर वही होता है

सर मम्मी की ही थी यानी मेहनत स्टार्टिंग में मम्मी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा था यानी मैं मानता हूँ कि शायद एन में मेरी मैथ्स अगर बहुत अच्छी हो पाई तो वो शायद मम्मी का ही बहुत सपोर्ट था इनिशियल डेज़ में कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड तेज़ करना सुन लो भैया लोग बोलते हैं लड़कियों की मैथ्स कमज़ोर होती है लोग बैठा है एग्जाम्पल <laughs> नहीं सर यानी डॉजिंग टेबल रोज लिखना यानी डॉजिंग टेबल मम्मी लिख के दे देती हैं वो बैठ के करते रहना तो सर वही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो यानी आपकी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है क्योंकि वो एक ऐसा अरीना है जहाँ आपको कैलकुलेशन स्पीड चाहिए एनडीए के रिटर्न में आपको कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो आप स्वीप अप कर दोगे एनडीए के मैथ्स को बहुत ही आसानी से स्वीप अप कर दोगे तो बस वही ये कैलकुलेशन स्पीड तेज कैसे बनती है वो जो बचपन की छोटी छोटी चीजें होती है ना बैठ के टेबल लिखना टू से थर्टी टू से थर्टी दिन में दो बार लिख दी तीन बार लिख दी होड़ होड़ में तो सर वही होता है जो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में गाइडेंस मिली थी मम्मी से कि हाँ वो मैथ्स वहीं बननी शुरू हो गई थी सर जो आज एनडीए में बहुत मदद कर जब हम पढ़ते हैं कमेंट्स या मेल पढ़ते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन हमेशा बच्चा पूछता है कि एनडीए तो कर रहा हूँ बैकअप में क्या तैयारी कर लूँ या तो कई बार बैकअप में तैयारी कर रहा होता है वो वाला जो पूरा सवाल चलता बिल्कुल, है बिल्कुल, तुम्हारी बिल्कुल, क्या दुविधा रही थी क्या अर्जुना लक्ष्य सब बैच ज्वाइन करने का मन हुआ साथ के दोस्त ज्वाइन किए मतलब क्या था माहौल सर एक्चुअली जब मैंने स्टार्टिंग करी थी के बाद तो मेरा सारा पे था कि भाई अपने हाँ अपने लिए जितना टाइम निकाल सकता हूँ उससे अच्छा कुछ ही तो स्टार्टिंग सुना सुना ना कर दी थी वो अच्छा, कहीं ना कहीं कि मैंने पहले सोच लिया था कुछ ओलम्पियाड्स की तैयारी के लिए सर, आपकी वीडियोस तभी कर थी नाइन्थ में ए, हाँ नाइन्थ में जो तो, आप इलेवंथ ट्वेल्थ की बनाती थी तो थोड़ा आपने बेट वेट के मजाक मजाक में ओलंपियाड की भी कर रहा था क्योंकि सर वो होता है ना आप जितना अपने आपको इन्वेस्ट रखोगे चीजों में उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ हो जाती है सुनो भैया यहाँ से कहानी थी मान लो कोई नाइन से नहीं तैयारी किया है की बात करी तो बस आपको जी तोड़ मेहनत करनी और कहा जाता है ना कि फौजी आई विल ट्राई नहीं बोलता कभी भी मुझे करना है तो मुझे करना है अब उसमें बस ये नहीं सोचना होता हमें कि कैसे होगा ये बहुत ज्यादा है बस अगर आपको जिम्मेदारियां अपने कंधों पर रखनी है तो एक्सक्यूजेस ढूंढने की जरूरत नहीं है बस फिर जम के लग जाओ बिल्कुल पानी बना दो चीजों को तो हो जाएगा ऐसा सब कुछ कितना टफ है सब सब इंडिया क्रैक करना सिर्फ ए आई आर वन नहीं पकड़ते हाँ सिलेक्शन कितना टफ है सिर्फ सिलेक्शन सर मैं यही बोलूंगा अगर आप राइट गाइडेंस राइट पाथ पे चल रहे हो और अगर आपके एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में तो आप स्कूल के साथ और यानी बाकी पढ़ाई के साथ मैनेज कर सकते हो बहुत आराम से बस जो भी चीज़ करो मन लगा के करो क्योंकि एनडी एक ऐसी प्रिपरेशन है जहाँ आप किसी उसके लिए नौकरी के लिए नहीं कर रहे हो आप कहीं ना कहीं देश की सेवा के लिए कर रहे हो तो आपका डेडिकेशन अपने आप ही बहुत ज्यादा हाई लेवल का हो जाता है तो बस जितना गाइड करा जाता है ना उसके अकॉर्डिंग और बस अपना एक गुरु चुन लो कि हाँ ये मेरे गुरु जी हैं जो ये बताएंगे उस हिसाब से मुझे चलना है भले ही वो मंजिल मिले ना मिले पर कम से कम हम गुरु के मुताबिक तो चल रहे हैं ना तो एक ना एक मंजिल भी ज़रूर आ जाएगी और रही बात इसकी कि कितना टफ है तो अगर जम के मेहनत करते हैं तो सर कुछ भी टफ नहीं है यानी बस वही है बस एक बार तुलना होता है चीज़ों पे तो वो तुल जाना है तो सब कुछ हो जाता है आस, ऐसा ऐसा सच कुछ नहीं है बस अपने रिसोर्सेस कम रखो और वही कहा जाए जैसे ब्रूसली कहता है ना कि यानी एक एक दाव दाव जानने से अच्छा एक दाव को तैयारी बार बार से से तो सर क्या था इलेवेंथ में पे फोकस था उसका रीजन ये था कि मैं चाहता था कि एकेडमिकली अभी जितना डेवलप हो गया वो कर लेते हैं फिर एनडीए की मैच तो आराम से हो जाएगी तो मैं क्या कर रहा था मैं जी को भी साथ साथ थोड़ा लेके चल रहा था क्या उससे आपका का और जो का है उससे ऑल दो ज्वाइनिंग करी थी एक दो जगह बट फिर सर क्या होता है कि जब आपका मन होता है ना कि हाँ खुद बैठ के पढ़ा जाए तो आपको लगता है कितने दिन गए कितने महीने गए सर मैं सर एक महीने गया था उसके बाद मैंने पैसा तो महीने वाला था उससे हो गया था वहां से फोन कॉल भी आए थे मेरे दिमाग में सेट था कि भाई करनी है तो चीजें खुद ही करेंगे नहीं। 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 बैठ के यानी जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे चीजों को तब तक यानी वो एक फील नहीं आती ना कि बिल्कुल हाँ

क्योंकि क्या होता है सर मतलब बेस कितना स्ट्रॉन्ग है लाइक like, जेई के लेवल का हाँ सर यानी बेस जे के लेवल का स्ट्रॉन्ग ये कहना चाहिए कि आप अगर टेंथ स्टैंडर्ड में हो तो आप सिर्फ एन ना करके आप थोड़ा सा एक हाइयर लेवल कर पा रहे हो जैसे आप आरडी शर्मा खुद बैठ के सॉल्व कर पा रहे हो यानी यही बोला जाए कि आप में खुद पढ़ने की झील है और आप चीजों को एक अलग नजरिए से सोच पा रहे हो क्या होता है सर मैथ्स में एक ये होता है कि सिर्फ बैठ के फॉर्मूलाज लगा रहे हो और एक होता है कि आप प्योर एनालिसिस कर रहे हो अगर आप वो प्योर एनालिसिस कर पा रहे हो टेंथ के बाद तो मैं कहूंगा सेल्फ स्टडी से अच्छा फिर कुछ भी नहीं है यानी सर वही होता है कि आ, किसी भी चीज को पढ़ो तो बस ये मत सोच के पढ़ो कि ये किस पेपर के लिए पढ़ा जा रहा है बस उसे अपनी डेवलपमेंट के लिए पढ़ो उससे क्या होता है आपकी मेमोरी अपने आप ही बूस्टअप हो जाती है क्योंकि आपको पता है आप किसी पेपर के लिए नहीं अभी आप अपनी डेवलपमेंट के लिए पढ़ रहे हो डेवलपमेंट एक बार हो गई तो पेपर तो निकल जाते हैं कोई वो उसमें कोई हाई फाई साइंस नहीं होती है तो बस वही होता है और रही बात ऑफलाइन ऑनलाइन की तो अगर आपके पास टाइम आप सेव करना चाहते हो अपनी सेल्फ स्टडी सेल्फ एनालिसिस के लिए ज्यादा टाइम चाहते हो तो ऑनलाइन बेटर होता है क्योंकि आपको पता है कि ठीक है मेरा जैसे फॉरेन एग्जांपल मैथ्स में मुझे डिफरेंशियल कैलकुलस के लिमिट्स के एक दो टॉपिक्स मेरे थोड़े वीक हैं तो मुझे सिर्फ वही चीज देखनी है मैं वो दस मिनट में देख के अपनी वीकनेस भी कवर कर गया और स्ट्रेंथ को और ज्यादा अच्छा बिल्डअप अच्छा करने के लिए मेरे पास टाइम हो गया आज मेरे दस परसेंट एडमिशन कम हो जाए पर एक्चुअली तुमने सच बोला है ये एकदम सही बात है समय बचता है एनर्जी बचती है मस्तीखोरी बचती है टाइम वेस्ट होता है इतना जाके आना जाना कोचिंग के बाहर गप्पा फिर वहाँ से दोस्तों के साथ जाना ऑनलाइन बहुत टाइम से जितना आपको पढ़ना है आप उतना पढ़ो ना जिस वीडियो को देखना है देखो जिसको नहीं देखना है मत देखो छोड़ दो बट इसके अंदर अलग अलग बच्चों का अलग ओपिनियन होता कहते है कहते हैं यार हम रेगुलर नहीं हो पाते हमें मॉल चाहिए कई बार ये भी होता है कि हम रेगुलर रेगुलर कैसे रहते थे चार बैच के सारे वीडियो देखते सर सर को मैंने बिल्कुल रगड़ के रखा था इंग्लिश की एक भी वीडियो नहीं छोड़ी और हिस्ट्री जोग्राफी उनकी एक भी वीडियो नहीं छोड़ी क्योंकि वो मुझे पता था कि ये एक ऐसा पोर्शन है जहां से स्कोर बनेगा तो वो था और सर रही बात इसकी जीएटी हिस्ट्री इन सब में इन सब में अगर देखा जाए कि सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि कंसाइज पढ़ो हाँ बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए चीजें क्योंकि बहुत वास्ट है और यूपीएससी हमेशा ही इतना अपनी वास्टनेस के लिए जाना जाता है तो यहाँ लगती है एनडीए में मेंटोर की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल कि आपको गाइडेंस सही मिल जाए जैसे मैंने बोला सर ऐसे ही हमारे जोग्राफी में हुआ था राहुल परमार सर ने जितना बताया था उससे काम पूरा का पूरा हो गया था ज्योग्राफी में यानी अगर एक दो सवाल तो होते हैं जो राइट लेफ्ट से पूछे जाते हैं उसमें भी अगर आप थोड़े अपने कॉमन सेंस का यूज करो ना जो आपने इतनी जीके कवर करी है तो सारी चीजें हो जाती है यानी क्या होता है कि सारी चीजें भी फैक्चुअल नहीं होती सारे फैक्ट्स तो आप याद भी नहीं कर सकते बट अगर आपकी वो मेंटल डेवलपमेंट हो जाती है आप चीजों को उस नजरिए से सोच पा रहे हो तो जीके के सवाल भी धीरे धीरे होने लग जाते हैं कुछ कॉमन सेंस से कुछ ऑब्वियसली आपको जो राइट right गाइडेंस मिली है उसके एडवांटेज है सर वही होता है यानी जो मेन मोटिवेटिंग फैक्टर होता है और रिजल्ट आने के बाद पहली बार पीडब्ल्यू से कैसे कनेक्ट हुए रिजल्ट आने के बाद सर वो सर एक्चुअली मैं जब एस एस पी मेरा रिकमेंड हो गया था तो मैंने कोशिश करी थी कि मैं कॉन्टैक्ट करूँ पर फिर तब मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था और अभी मेरिट लिस्ट आने के बाद भी मैंने एक कोशिश करी थी कि मैं कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट करने की क्या कर बोला कस्टमर केयर पे सर वो सर ऑटोमेटेड कॉल थी तो वहाँ तो? पे उस उन, उन्होंने बोल दिया कि था कि विल सोन कॉन्टैक्ट यू ऑन योर टेक्स्ट तो सर जैसे कॉल किया हाँ उधर से कॉल रिस्पॉन्स हुआ फिर सर उसके बाद फिर ये नहीं वो कुछ ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन <laughs> के बाद वो कॉल अपने आप ही खत्म तो है है <laughs> पर इस टाइम यार रैंक का ये सब बहुत चलता है तो तुमको ऑफर नहीं आया सर मैं यही बोलूंगा कि अगर बाबू पैसा ले जाओ सर अगर आप यानी सही में अपने मन से डेडिकेटेड हो ना आपकी कमिटमेंट है किसी को तो आप कभी भी पैसे और ये तो बहुत छोटी चीज है यानी जिस पेपर के लिए हम लड़ रहे हैं वहां पैसे थोड़ी ना देखे जाते हैं यानी आप फौज में है? जाने की सोच रहे हो तो आप कुछ पैसों के लिए थोड़ी ना ये हो जाओगे कि आप बहुत अच्छे थे आप बहुत अच्छे थे यानी आप एक पूरा डेडिकेटेड हो अगर आप नेशन के लिए इतनी डेडिकेशन रखते हो तो अपने गुरु के लिए भी उतनी डेडिकेशन होती है सर में वैल्यूज बहुत हाई है तुम्हारी सर वो यानी आर्म्ड फोर्सेस की जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो ऑब्वियसली सर वो आप मेच्योर होते चलते हो आपका पर्सपेक्टिव बहुत मेच्योर हो जाता है तो वैल्यूज तो अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाती है सर कैसे सब्जेक्ट से या सोच से सिर्फ वो सोच ही होती है जब आप इस लेवल पे सोचने लग जाते हो कि हाँ मुझे आगे चल के चालीस लोगों को एक एम्बुश में लीड करना है या फिर मुझे अपने आप को नहीं मुझे तो पूरी एक ग्रुप को संभालना है तो इंसान की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है तब वो चीज़ें अपने आप ओके okay होने लग जाती हैं वो अपने आप ऑनेस्ट भी बनना स्टार्ट हो जाता है फिर उसमें एक मेच्योर इंसान भी बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि आप सेवेंटीन की एज में एक ट्वेंटी की एज के आदमी की तरह सोच सको कि हाँ मुझे अपना टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना अभी मेरी प्रायोरिटी ये है तो मुझे यही काम करना है आज मैं इतना काम लेके चला हूं, तो मुझे इतना काम करना है मेरी कमिटमेंट इतनी है तो मुझे वो कवर करनी है यानी तो सर वो मेरे पर्सपेक्टिव ऑब्वियसली बन जाते क्योंकि आप एक ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हो जहाँ आप लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो आप कोई कार्पोरेट जॉब नहीं करना चाह रहे आप एक एज अ लीडर उभरना चाह रहे हो आप फोर्टी पीपल को लीड करना चाह रहे हो आप एक ग्रुप को लीड करना चाह रहे हो कभी बीच में मन नहीं किया कि आईटी बॉम्बे जाएं, आईटी दिल्ली जाएं। सर एक्चुअली क्या होता है कि जब आप सोचते हो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में तो वो कॉरपोरेट का जो नशा होता है ना यानी कि सर मैं कहना नहीं चाहूँगा mm. बट जो एक इनकम का नशा होता है इंसान को कि इनकम मिल जाए एक सेटल्ड लाइफ मिल जाए आप उससे थोड़ा ऊपर सोचने लग जाते हो कि हाँ यानी मुझे कि यानी आईआईटी बॉम्बे है आईआईटी दिल्ली है या आपको सर एक जॉब तो दे देंगे पर आर्मी आपको एक पूरी रियल लाइफ देता है जहां आप आप एक भी एक्सपीरियंस से वंचित नहीं रह पाओगे आप अपनी लाइफ को को डेडिकेट कर रहे हो किसी को। और जब हम किसी के लिए डेडिकेटेड होते हैं तो वो जो एक सैटिस्फेक्शन होती है वो अपने आप के लिए काम करने से बहुत ज्यादा होती है जब आप बात करके मुझे लग रहा है सही में पच्चीस छब्बीस साल के लड़के से बात कर रहा हूँ इतनी मच्योरिटी इतनी मच्योरिटी इतनी मच्योरिटी वाली बातें कर रहे हो तुम तुम सही में के हो दो हजार पांच का ही है आगे कहानी क्या होगी इसके बाद अब सर अभी तो यही है कि अपनी अकेडमी ज्वाइन करनी है जो भी चीजें मिलेंगी उसे उसमें अपना दी वेस्ट देना है क्योंकि कहां पे होगी कहाइनिंग क्या होगा सर खड़क वासला की जो ट्रेनिंग होती है इनिशियल थ्री पीरियड्स की वो खड़क वासला पुणे में होती है तो बस वही ज्वाइनिंग उसकी ज्वाइनिंग लेटर्स आएंगे तो वहाँ ज्वाइन करके अपना दी बेस्ट वहां फिर देना है

जो अभी सही में नाइन्थ क्लास बैठ के जे या ओलम्पियाड की तैयारी कर रहा होगा तुम्हारी तरह पुराने वीडियो देख के कहीं से इधर उधर से और फिर उसका ओपिनियन चेंज होगा तो सोचेगा कि भैया की लाइफ कैसी है ट्रेनिंग कैसा है भैया की बॉडी बन गई और ज्यादा की नहीं <laughs> एक चीज तुमने मेरे को सुबह और बताई थी जो इस वीडियो में आनी चाहिए कि तुम सुबह चार बजे उठते कभी कभी मिस भी होता है ये भी बता रहे थे ये कल्चर कब से सर ये कल्चर सर एक्चुअली ये सिक्स क्लास से कहीं ना कहीं डेवलप होना शुरू हो गया था किसने सिखाया सर वो घर पे जब माहौल देखना स्टार्ट करते हैं ना जब हमें लगता है कि हाँ भाई हमारे फादर वो चीज़ कर रहे हैं तो वो नेचुरली आपको लगता है कि हाँ भाई अब तो हमें भी करना है और हमें तो शायद इससे आगे जाना है वो कहते हैं ना कि सर एक फादर ही आपको असली मोटिवेट करता है असली रूप में एक फादर ही होता है जो चाहता है कि आप उनसे भी आगे जा सको तो सर वो एक मोटिवेशन था और फिर सर कुछ एक डिसिप्लिन होता है आप जब धीरे धीरे एक डिसिप्लिन लाइफ में ढलना शुरू करते हो तो चीजें अपने आप आपको लुभाने लग जाती हैं कि हाँ चार बजे उठना है मुझे रेस के लिए जाना है पांच किलोमीटर तो मुझे रेस के लिए पांच किलोमीटर जाना ही है फिर उसमें कब से जा रहे हो सर ये सर पांच साल हो गए हैं सर अब तो पाँच साल चार बजे उठ के पांच किलोमीटर दौड़ते हो हाँ सर दस किलोमीटर में सर जब इनिशियली स्टार्ट करा था तो 24 मिनट कुछ लगती थी अब करते करते हैं जिंदगी की दौड़ तो अकेले ही दौड़नी पड़ती है अगर कुछ आगे है तो कहाँ जाते थे दौड़ने कोई ग्राउंड ग्राउंड था हाँ सर घर के पीछे द्वारका एक्सप्रेस वे तो बहुत लंबा है नहीं दौड़ने के लिए जगह ही जगह है बस दौड़ने वाला इंसान चाहिए होता है वो तो धरती को वही है ये या तुम्हारी पता है, किसी से नहीं आई है सुबह चार बजे उठ, उठ के दौड़ रहे हो ये बहुत पुराना मतलब वो कहते हैं ना द चाइनीज बैम्बू ट्री स्टोरी बोला जाता है कि ऊपर जितना दिख रहा है उससे ज्यादा जमीन के नीचे घुसा हुआ है आइसबर्ग जो पानी के अंदर पड़ा होता है कि भाई वन टें उसका बाहर पड़ा है पार्ट नीचे है। तुम्हारी कहानी वैसी है पीछे पूरी तैयारी कर रहे थे तुम फौज का सोच के बैठे आप एक रेगुलर लाइफ जी रहे हो तो ऑब्वियसली वो आर्म्ड फोर्सेज की लाइफ कन्वर्ट होने में उसे टाइम नहीं लगेगा आर्मी एक डिसिप्लिन मांगती है एक डिटर्मिनेशन मांगती है मोबाइल फोन गर्लफ्रेंड ये सारी कहानियों से कैसे दूर रहे सर वो ये होता है कि अगर आप एक एनर्जी अपनी एक हाई लेवल की चीज़ में डेडिकेट कर दी तो तो आपका ध्यान ऑब्वियसली एक चीज पे फोकस्ड हो जाए देख भी काफ़ी स्मार्ट रहा है भाई ये तो कैसे मतलब ये लड़कियों वड़कियों से भी दूर रहे मोबाइल फोन से भी दूर रहे अभी बहुत स्मार्ट लग रहे हो उस टाइम तो इंस्टाग्राम आज तो बहुत मैसेज आएंगे इंस्टाग्राम है तुम्हारा नहीं सर तभी तो सही है सब तभी तो आ रहा है रैंक <laughs> नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है सर यानी यही होता है कि अगर आप अपने आप को किसी एक ग्रेटर चीज के लिए डेडिकेट कर देते हो हो तो वो चीजें अपने अपने आप अपने आप साइड पर्सनल नहीं, नहीं तो दोस्तों लिया। का फोन, मम्मी के फोन पे आता है। आ, आ, सच कोई दिक्कत नहीं है ना ठीक है उन्हें भी पता होना चाहिए कौन कौन दोस्त हैं किन का फोन आ रहा है तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है और मैं कहता हूँ कि अगर माँ बाप से अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको अपने माँ बाप से छुपानी पड़ रही है आपको शर्मिंदगी हो रही है तो समझ लो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत ही है अगर आपको अपने माँ बाप से छुपानी पड़ रही है तो सर मैं तो यही सोचता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो आपको छुपाने की जरूरत है अगर आप ईमानदार हो तो हाँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा जो है नहीं कि दोस्तों के भी फोन आ रहे हैं तो ऐसा ऐसा, 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 ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि उन्हें भी पता है ठीक है बात कर रहा है ठीक है सर सुने कितनी साफ बात बोल रहा है बच्चा कह रहा हैं अगर आप ईमानदार हो तो माँ बाप से कोई बात छुपानी नहीं होगी आपको बहुत बढ़िया अभी कैसा चल रहा है कल से अभी तक का सफर कैसा रहा थके हुए लग रहे हो आंख से भी तुम सर 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 मैं सो नहीं पाया था रात को क्यों एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट हाँ, कुछ हो गई थी कुछ दोस्तों के भी फोन आने स्टार्ट आज सुबह नहीं दौड़े पांच किलोमीटर नहीं सर दौड़ा रहा हूँ सर आज भी दौड़े हो बिल्कुल सर आज तो और ज्यादा जोश के साथ दौड़ा गया ना कि हाँ अब तो ये नहीं एक चीज और मिल गई है जिसके लिए दौड़ना है तो इसलिए सर अरे वाह तो तो कैसे हालातों एक आर्म फोर्सेस के लिए ट्रेन कर रहा है कहीं ना कहीं की ग्रिम से ग्रिम सिचुएशंस में या टाइम टेबल चेंज भी होता है स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब भी होती है उसमें भी काम करते खुद को ना बहुत पहले से फौजी मान लिया है तुम अपने कट देखो अपना ड्रेसिंग सेंस देखो अपना एटीट्यूड देखो एकदम तो फौजी वाला एटीट्यूड तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है ऑफकोर्स मुझे ये भी पता है कि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा तुम अंदर जाके सीखोगे अभी शायद हम लोग कुछ भी नहीं पता है फौज के बारे में ऑनेस्टली अभी अंदर जाके तुम बहुत कुछ सीखोगे पर फिर भी तुमने काफ़ी पहले से एक बाल बाल भी कटा तुम अंदर से तैयार हो गए हो पूरी तरह से सिर्फ वो बस कहीं ना कहीं ये होता है कि जब आप डेडिकेट हो जाते हो आप बिल्कुल सोच लेते हो कि यही मेरी श्रद्धा है यही मेरे लिए सब कुछ है आर्मी ज्वाइन करनी है या फिर सर्विसेज में जाने हैं तो वो चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं सर यानी कि वो एक स्पॉन्टेनियस चीज़ होती है कि ये अपना सपना देख नहीं रहा है बच्चा ये बच्चा अपना सपना जी रहा है सर यानी हेयर स्टाइल देखो इसका ड्रेसिंग सेंस देखो कॉन्फिडेंस देखो इसकी बातें देखो इसकी लाइफ देखो ये अपना सपना जी रहा है पिछले पाँच साल से बहुत बढ़िया मतलब देख के बड़ी खुशी हो रही है इतना डिसिप्लिन और इतना मतलब हमारा यूथ इस तरह का भी हो सकता है ये देख के बड़ी खुशी हो रही है

ऑल इंडिया रैंक वन एन और हमारे लिए बहुत 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 प्राउड की बात ए आई आर वन और अब अनुराग इसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और पिछले दो दिन से अनुराग बहुत बिजी हैं और अनुराग के लिए हम लोग एक छोटा सा गिफ्ट भी लेके आए हैं देखो मिठाई भी लाए हैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया क्या बात है खा लूँ अच्छा नहीं खिलानी है सॉरी <laughs> अच्छा तुम इसका क्या करते हो डाइट डाइट का मिठाई तो खाते नहीं होगे फिर ये सब भी रूल है सिर, नहीं सर डाइट में हां नहीं नहीं, नहीं। दौड़ के सब सही कर लोगे हाँ सर वो <laughs> <laughs> यानी हाँ बस तेरी डेली की जो चीजें होती हैं बिस्किट्स होंगे नमकीन होंगे ये चीजें अवॉइड बस बाकी ओके सर यानी फेस्टिवल पे मुंह भी मीठा नहीं करा तो क्या करा

हम मैं भी तुमने खिला दिया गिपटॉप लाए बैठे बढ़िया है हमने कुछ ऐसा जो तो, तो, तो अनुराग को यार आप लोग ने सुना और आप लोग को एक्चुअली समझ में आया होगा कि ये कोई चार दिन की कहानी नहीं थी ये पांच साल की कहानी थी डिटर्मिनेशन की कहानी थी बहुत सारे सवालों का इसने जवाब दिया और एक जो अच्छी बात इसने बताई डिसिप्लिन कि अगर आप एक्चुअली आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो तो स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम योर क्लास टेंथ क्लास इलेवन से अपनी वो जिंदगी जीना स्टार्ट कर दो खुद को इमेजिन करना स्टार्ट कर दो वो जिंदगी जी लो मतलब ये खुद को मान चुका था कि मैं फौज में पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा और जब ऐसा डिटर्मिनेशन हो तो भाई साहब ये सब चीजें हो जाती है सो मतलब आई हैव दिस है ऑल इंडिया रैंक वन नहीं आई है सपने सच होते <laughs> तो हुए देखे मैंने जीवन में तुम्हें समझ में आता है कि हाँ बहुत अलग फीलिंग हो रही होगी आज लगातार इसका फोन भी बजा जा रहा है तो इसको लगातार <laughs> मिनिस्टर वगैरह सबका कॉल आ रहा है इसका स्पेशल डे है तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं बहुत बस है। मैं एक हाँ। एक बस मैं में यही बात बोलना चाहूंगा कि आप जब किसी चीज के लिए काम करो तो पूरी मन के साथ काम करो कि हाँ बस मुझे इस चीज के लिए काम करना है तो बस इसी चीज के लिए काम करना है सारी चीजें अपने आप होती चलेंगी बस राइट right गाइडेंस मैं कहूँगा एट द एंड ऑफ द डे वही मायने रखता है और अपने आप से ऑनेस्ट रहो हमेशा तो बाकी ऑफिसर लाई क्वालिटीज अपने आप बन जाएंगी बस अपने आप से ऑनेस्टी अगर आपकी है तो सब कुछ हो जाएगा क्या बात है? बाकी कभी भी सर रैंक को लेके मैं यही बोलूंगा यानी मैंने भी कभी नहीं सोचा था यानी बस ये होता है कि आर्म फोर्सेज आपको बस ये कहता है अपनी बेस्ट दो यानी अपना आप जो बेस्ट दे सकते हो वो दो हर दिन अपने येस्टर्डे की लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करो आप अपने आप ही फाइन इंसान बन पाओगे सर यूनिफॉर्म में इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया नहीं नहीं सर यानी इतना तो अभी तो ट्रेनिंग भी है सर बहुत मेहनत करनी है सर अभी तो, <laughs> अभी तो अभी तो शुरुआत भी नहीं है सर ये तो बस एक पहला कदम ही है सर यानी बहुत मेहनत करनी है सर अभी क्या प्रेफरेंस होगा सोचा है सर प्रेफरेंस सर फर्स्ट आर्मी है सर ये हमेशा है सोच चुके थे हाँ सर सोच लिया था सर सर कुछ सर इंस्पिरेशन भी थी यानी वही है ना जब आप पढ़ते हो कुछ लोगों के बारे में जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा सर के बारे में देखा बाकी मेजर संदीप उन्नी कृष्णन सर के बारे में देखा सर अभी पीछे मूवी भी आई थी तो सर वो चीज़ें भी होती हैं जो कहीं ना कहीं आपको दिखाती हैं कि भाई कोई अपनी लाइफ को इतना सेक्रीफाइस कर सकता है इतना सेक्रीफाइस कर सकता है तो मैं कहीं एक सर्विस के लिए भी रेडी नहीं हो सकता हूँ मैं कहीं कॉर्पोरेट से आगे नहीं सोच सकता हूँ अपनी लाइफ में कि हाँ मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है मुझे अपने देश के लिए एक सर्विस देनी है तो सर वो एक होती है जो आपको एक असली मोटिवेटिंग फैक्टर होता है सर की यानी वो कर सकते हैं तो उनके लिए यानी उतना ना ही हो पाए उतना हो पाए ना हो पाए वो तो पता नहीं पर उसका एक कुछ कतरा तो हम अपनी ओर से दे सकते हैं तो सर उन बहुत अच्छा लगा अनुराग बहुत ही मेच्योरिटी वाली बात है तुमने की और जब ये सुनेगा ये सारी बातें सुनेगा वो बच्चा मोटिवेट हो जाएगा बच्चा क्या इसमें ये सुन के तो मेरे ख्याल से मेरी उम्र के लोग भी मोटिवेट हो जाएंगे बहुत बढ़िया लगा तुमसे बात करके यार फिर से मिलेंगे जब ट्रेनिंग करके थोड़ी सी आओगे तुम तो। ये सर बिल्कुल अरे थैंक यू